हाय ऑल, दिस इज अंजलि और इस वीडियो में हम करेंगे इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स इन पाइथन। सो एज पर द एनसीईआरटी बुक जो आपका चैप्टर नंबर 3 है उसमें नेक्स्ट टॉपिक है इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स एंड दिस इज लेसन नंबर 16 व्हिच वी आर डूइंग फॉर 11th इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस फॉर सीबीएसई बोर्ड, राइट? सो लेट्स गो टू द एनसीईआरटी बुक एंड सी व्हाट दे हैव टू टेल अबाउट इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। अब एज द नेम सेज, इनपुट का मतलब क्या है कि आप प्रोग्राम में कुछ डेटा लेकर आ रहे हो। तो जब कुछ प्रोग्राम में आता है दैट इज इनपुट। जब हम प्रोग्राम से उसे शो करते हैं स्क्रीन पे या फाइल में या कहीं पे भी, सो दैट इज आउटपुट। सो जब डेटा आता है वो इनपुट है, जब जाता है वो आउटपुट है। सो दैट इज इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। अब इसके लिए स्टेटमेंट्स क्या यूज होती हैं? सो पाइथन में वी हैव अ स्टेटमेंट कॉल्ड इनपुट जिससे हम रीड कर सकते हैं, जिसका पर्पस है डेटा को इनपुट करना, और प्रिंट स्टेटमेंट है जिसके थ्रू हम स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट करते हैं। सो दैट इज योर आउटपुट स्टेटमेंट, ठीक है। अब मैं आपको भी पाइथन में यूज़ करके दिखाऊंगी वो कैसे यूज़ होती है, बट दिस इज इनपुट। इनपुट लिखने का बेसिक तरीका क्या है कि वेरिएबल का नाम लिखो इज इक्वल टू इनपुट लिखो और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मतलब जो मैसेज आप चाहते हो स्क्रीन पे आए, क्योंकि हम प्रोग्राम बना रहे हैं किसी और के लिए, कोई और यूज़र है उसके लिए मैं प्रोग्राम क्रिएट कर रही हूँ। सो मैं चाहती हूँ कि मैं यूज़र को बोलूँ कि एंटर योर नेम और फिर वो अपना नेम एंटर करे, तो वो जो मैसेज है एंटर योर नेम दैट इज सेट टू बी प्रॉम्प्ट। सो वो प्रॉम्प्ट आप यहाँ पे दे सकते हो, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो एंटर योर नेम, तो वो नेम हम यहाँ पे रीड कर लेंगे, ठीक है। सेम वे आई कैन एंटर एज, सैलरी, व्हाटएवर आई वांट। सो जो चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन रीड करता है वो टेक्स्ट दैट मीन्स स्ट्रिंग कंसिडर होता है, क्योंकि डेटा टाइप भी मैटर करता है कि आप किस डेटा टाइप की वैल्यू को रीड कर रहे हो। बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट हमेशा स्ट्रिंग रीड करेगा, बट अगर आप चाहो तो उसे इंट या फ्लोट में कन्वर्ट करा सकते हो। सो इफ़ यू वॉन्ट कि वो नंबर्स हैं और वो नंबर्स की तरह ट्रीट होने चाहिए, सो आई कैन यूज़ इंट और फ्लोट टू कन्वर्ट देम इंटू इंटीजर और फ्लोट। सो अगर आपको इंट रीड करना है तो यू कैन राइट इंट लाइक दिस, ये तो देख रहे हो आप यहाँ पे। सो एज इज इक्वल टू इनपुट से पहले इंट लिख दिया और उसकी राउंड ब्रैकेट्स दे दी, तो सबसे पहले अंदर वाला फंक्शन काम करता है, इनपुट होगी वैल्यू, जो इनपुट होके आएगा वो इंटीजर में कन्वर्ट होगा और फिर वो एज में जाएगा। अगर आपको फ्लोट में चाहिए होता तो आप यहाँ पे फ्लोट लिखते हैं और फिर प्रिंट की हेल्प से हम उसे प्रिंट कर सकते हैं। लेट्स मेक अ प्रोग्राम, लेट मी शो यू अ बेसिक प्रोग्राम। सो मैं यहाँ पर फाइल पे क्लिक करके एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेती हूँ। आई एम यूजिंग पाइचाम, आप पाइथन आईडीएलई में भी बना सकते हो। सो कहीं पे भी प्रोग्राम बनाओ कोडिंग सेम ही रहेगी। सो मैंने यहाँ पे लिखा नेम इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर नेम, ओके, एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे प्रिंट कराना है वेलकम। और अब दो तरीके हैं मैसेज को प्रिंट में देने के, आप यहाँ पे प्लस भी लगा सकते हो क्योंकि दो स्ट्रिंग्स पाइथन में प्लस के थ्रू कंकैटिनेट हो सकती हैं। सो आई कैन राइट वेलकम प्लस नेम, और अगर मैं इसको रन करती हूँ तो वो क्या करेगा, जैसे मैंने रन करने पर एंटर किया अंजलि और उसके बाद वो शो कर देगा वेलकम अंजलि। सो मैंने एंटर किया अंजलि और यहाँ पर क्या शो हो गया, वेलकम अंजलि, वेलकम प्लस जो नेम वेरिएबल की वैल्यू है। आप यहाँ प्लस भी दे सकते थे, आप यहाँ कॉमा भी दे सकते हो, क्योंकि पाइथन में जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसमें आई कैन गिव कॉमास जब भी मुझे मल्टीपल वैल्यूज़ को शो कराना है जो कि वेरिएबल और स्ट्रिंग के बीच में स्विच कर रहे हैं। सो इफ़ आई एंटर अ नेम सो इट शोज़ लाइक दिस, ठीक है। अब ऐसे ही मैं दो नंबर्स इनपुट कराना चाहती हूँ, मैंने यहाँ पर पूछा नम वन और यहाँ पर लिया इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। उसके बाद नम टू ले लिया इनपुट एंटर सेकेंड नंबर, और रिजल्ट में मैंने क्या लिया नम वन प्लस नम टू, और फिर प्रिंट करा दिया रिजल्ट इज रिजल्ट, ठीक है, या सम इज रिजल्ट, व्हाटएवर यू वांटेड टू प्रिंट। सो ये हमने प्रिंट करा दिया। अब इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। इसको मैंने रन किया, उसने नाम पूछा, ठीक है, मैंने नाम एंटर कर दिया, उसने शो कर दिया वेलकम अंजलि। एंटर फर्स्ट नंबर आई एंटर 89, आई एंटर सेकेंड नंबर इज 45। आप सम देख रहे हो क्या आ रहा है, सम आ रहा है 8945। क्यों आ रहा है, वो इसी रीज़न से जो मैंने अभी आपको बताया कि जो इनपुट फंक्शन है वो बाय डिफ़ॉल्ट हर चीज़ को एज अ स्ट्रिंग रीड करता है। तो उसने 89 को एज अ स्ट्रिंग रीड किया, 45 को एज अ स्ट्रिंग रीड किया,
और जब दो स्ट्रिंग्स के बीच में प्लस लगता है तो वो उन्हें जॉइन मतलब कि कंकैटिनेट करता है, ना कि ऐड करता है। सो इसीलिए आपको बताना पड़ेगा पाइथन को कि जो चीज़ हमने रीड की है वी नीड टू कन्वर्ट इट टू अ न्यूमेरिक वैल्यू। तो उसके लिए आप इंट या फ्लोट यूज़ कर सकते हो। अभी मैंने यहाँ पे इंट लिखा तो अब ये जो नंबर्स हैं ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और अब अगर मैं प्लस इसके साथ लगाऊंगी तो वो नॉर्मली उन नंबर्स को ऐड करेगा। सो अब मैंने 70 और 68 डाला है तो सम क्या आ रहा है 138। अब कंकैटिनेट नहीं हुआ, अब ऐड हुआ है। सो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप नंबर्स रीड कर रहे हो तो यू हैव टू सी कि वो नंबर होल नंबर होगा या पॉइंट्स में हो सकता है। पॉइंट्स में है तो आप फ्लोट लिख के कन्वर्ट करोगे, और अगर होल नंबर है तो इंट लिख के कन्वर्ट करोगे, और अगर स्ट्रिंग है तो आपको कुछ भी इनपुट के साथ एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन वी यूज़ प्रिंट। प्रिंट में जब भी मल्टीपल वैल्यूज़ हैं आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे ये तो रिजल्ट इज़ आ रहा है। अगर आपको बहुत सारे वैल्यूज़ के बीच में स्विच भी करना है, जैसे कि मुझे लिखना है सम ऑफ, फिर मैं चाहती हूँ नम वन की वैल्यू आ जाए, फिर मैं चाहती हूँ वर्ड आ जाए एंड, फिर नम टू की वैल्यू आ जाए, फिर आ जाए इज़, और फिर रिजल्ट की वैल्यू आ जाए। तो जितनी बार भी आप ये फिक्स्ड स्ट्रिंग और वेरिएबल के बीच में स्विच ओवर करोगे उतनी बार आपको बीच में कॉमा देना पड़ेगा, ठीक है। आप प्लस यूज़ करके कंकैटिनेट कर सकते हो अगर सारी की सारी वैल्यू स्ट्रिंग्स हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया कि मैंने यहाँ पर कॉमा दिया है। कॉमा देने से क्या होगा, नंबर्स पूछे उसने, मैंने नंबर्स एंटर किए, सो ऐसे शो हो रहा है सम ऑफ 89 एंड 55 इज 144, ठीक है। सो जब भी आप स्विच ओवर करो यू कैन पुट अ कॉमा इन बिटवीन, राइट। यहाँ पे हम प्लस नहीं लगा सकते थे क्योंकि नम जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू है और प्लस सिर्फ दो स्ट्रिंग्स को ऐड करता है। सो यू विल गेट एन एरर मैसेज ओवर देयर कि आप न्यूमेरिक वैल्यूज को स्ट्रिंग्स के साथ कंकैटिनेट नहीं कर सकते हो। सो ये एरर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ये एरर ना आए तो आप इस नम वन को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जैसे इंट से स्ट्रिंग इंटीजर में कन्वर्ट होती है, वैसे ही str लिखने से आपका जो नंबर है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो सकता है। सो अब प्लस यहाँ पे काम करेगा क्योंकि अब सारी की सारी यहाँ स्ट्रिंग्स हो गए हैं। सो दैट्स हाउ यू कैन डील विद योर इनपुट आउटपुट, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि किस तरह से हम काम कर रहे हैं पाइथन में विद द बेसिक इनपुट आउटपुट। If this is clear, do click the like button there. Do share the video with your batchmates. आपके batchmates भी schools बंद हैं, पढ़ाई के लिए कोशिश कर रहे होंगे 11th IP के लिए, उनको अगर lectures नहीं मिल रहे हैं तो आप ये video share करो उनके साथ ताकि वो भी videos देख सकें और अपनी पढ़ाई normally कर सकें। So do share the video, subscribe the channel अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया है। It's free of cost. You can watch all these videos free of cost. You can write your doubts in the comments below. I'll try to answer them as soon as possible. In case you want कि आप मुझसे WhatsApp पे personally doubts पूछ सको तो उसके लिए आपको channel membership लेने की option भी है। So you can take a channel membership for a very nominal amount of 159 rupees a month, जिसमें आप live classes में Zoom के through मुझसे connect होगे और आप WhatsApp पे मुझसे direct doubts पूछ सकते हो। So that's it for this video. By the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.